ओम साई राम, कैसे हो मेरे बच्चे। आज के संदेश में बाबा ने बताया है अपने भक्तों को, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, धन्यवाद। बाबा कह रहे हैं अपने भक्तों से, मेरे बच्चे कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि हम करते तो कुछ और है और होने कुछ और लग जाता है, जाते किसी और दिशा की तरफ है, हम फैसला भी कहीं और जाने का ले लेते हैं, लेकिन समय को तो कुछ और ही मंजूर होता है। समय उससे पहले ही हमें कुछ ना कुछ एक ऐसा बहाना दे देता है, या एक कोई रोग से ग्रस्त कर देता है हमें, या फिर कोई ना कोई ऐसी परेशानी में हमें डाल देता है कि हम उस दिशा की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ा पाते हैं। और जब फिर हम सही होते हैं, ठीक हो पाते हैं और फिर उस दिशा में चलते हैं, तब तक फिर हम वो फिर समय निकल चुका होता है, फिर हम वहाँ नहीं जा पाते हैं। तो ऐसे में हमें सर्वप्रथम मन को शांत रख, मस्तिष्क को शांत रख के ही सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, क्या अभी हमारा उस दिशा में जाना उचित है या नहीं। अगर हमारा मन, हमारा मस्तिष्क फैसला सही लेता है तो हमें जाना चाहिए, अन्यथा हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन 2 मिनट किसी एक शांतिपूर्वक स्थान पर बैठकर अवश्य सोचना चाहिए, और उस दिशा में जाने से पहले एक बात का और ध्यान रखना चाहिए मेरे बच्चे की, यही कि उस दिशा में तुम्हें अकेले ही चलना है, कोई तुम्हारा कदम दो कदम साथ दे दे वो एक अलग बात है, लेकिन तुम्हें आखिरी मंजिल तो तुम्हें स्वयं ही और अकेले ही प्राप्त करनी है। इसलिए किसी पर भरोसा ना करें और खुद अपने कदम से कदम मिलाकर अपनी मंजिल की ओर चलते चले, तुम्हें अवश्य ही एक दिन मंजिल की प्राप्ति हो जाएगी। जो लोग तुम्हारे बीच में कांटे बनकर खड़े हुए हैं, उन कांटों पर कोई भी ध्यान मत दो, तुम्हें उनसे सिर्फ और सिर्फ बच के निकलना है। तुम्हें इतना याद रखना है कि ये जो सामने लोग हैं मेरे, ये अंधे हैं और मुझे इनसे बच के निकलना है। कैसे निकलना है ये तुम जानो, क्योंकि मेरे बच्चों इतना तो तुम भली भांति जानते हो कि जब सामने से कोई अंधा व्यक्ति आता है तो हमें स्वयं ही बचना पड़ता है उससे, और कैसे हमें बचना होता है इतना ज्ञान तो तुम्हें मैंने दे ही दिया है मेरे लाडले।